बेटा इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नहीं होता है शनाख्त करना, देखना, पहचानना, लगना, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तीनों जो साइड के नाम है हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये हमने आइडेंटिफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग। तो जूनियर क्लासेस में तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज बच्चों को बताते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, तो लेकिन बेस और परपेंडिकुलर के बारे में इतना सॉलिड नहीं दी बच्चों को बताया जाता। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसे हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। और लेकिन इसमें जो आपने यहाँ पे याद रखना है, ये एक कंसेप्ट है, इसको ये हर जगह पर यही यूज होता है, जो भी एंगल दिया होता है, जैसा क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी एंगल दिया होता है उस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, उसको हमने परपेंडिकुलर कहना है। और इसके अलावा जो दूसरी साइड बाजेगी वो इसका आ जाएगा बेस। तो ये इसका बेटा कंसेप्ट है, दोबारा से इसमें बता रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल दिया होता है उस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये दो साइड तो होगी, अब तीसरी साइड बेस रहेगी, वो जो साइड होती है वो बेस कहलाती है, जो तीसरी साइड है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो इसको मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हाइपोटेन्यूज की जो साइड है, साइड का नाम ए बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, और बेस, बेस ये वाली होगी ए सी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये जो थीटा के जो भी एंगल गिवन होता है उस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, बी सी या सी बी कह लें। इस वाले पार्ट में भी देखें बेटा, अब 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये वाली साइड जो है ए बी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और जो एंगल दिया होता है, एंगल इसमें थीटा एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बच जाती है वो हो जाएगी बेस। तो कुछ क्लास में जाके फिर इसको एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, इसको जैसे परपेंडिकुलर तो कहते हैं, इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, और जो इस एंगल के साथ जो साइड होती है, जिसको अभी यहाँ पे हम बेस कह रहे हैं, इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज का क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस, बेस इसका हो जाएगा बी सी, और परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा ए बी। तो ये बड़ा इसका आंसर हो गया।